चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, और शॉर्टकट ट्रिक है, आप तुरंत याद कर लीजिएगा। सो आप देखते रहिए, पूरा वीडियो आप देखिए, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आपको हम यहाँ पर ट्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। सो चलिए, रूल थ्री देखिए, इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनेशनल मनी या मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर रहेगा वाशिंगटन डीसी में। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इंटरनेशनल मनी से रिलेटेड रहे या मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रहे, इसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इंटरनेशनल मनी और मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एमएफ ऑफ WBEE इज इन वाशिंगटन डीसी, ऐसे याद रख सकते हैं। या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और WB हो गया आपका वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों वाशिंगटन डीसी में होते हैं। सो चलिए रूल फोर देख लेते हैं, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक ये सभी से अगर रिलेटेड रहा है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में होगा, ऑस्ट्रिया में होगा। कहाँ पर होगा? वियना, ऑस्ट्रिया में होगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर आपको वियना, ऑस्ट्रेलिया में होगा। जैसे ट्रिक, यूएन डू लोगों ने आइडिया दिया कि ऑप्ट करें इसी इन वियना में। सो आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये सभी का जो हेडक्वार्टर्स है, सभी का हेडक्वार्टर्स आपका वियना, ऑस्ट्रिया में, है। सो रूल नंबर फाइव आप देख लीजिए, फॉर द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, UN Child Emergency in UN, United Nation Organization, United Nation International Children Emergency Fund, सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। रूल नंबर सिक्स देख लीजिए, इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, को भी अगर इकोनॉमिक्स या एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में होगा। कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। इकोनॉमिक्स या एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में होगा। चलिए देखते हैं, इको कल्चर इन पेरिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसको बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो सभी पेरिस में होगा। सो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन से रिलेटेड। सो चलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स वाले वीडियो मिलते रहें और आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो।